रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी शुष्क भूमि कृषि, यानी शुष्क भूमि कृषि या फिर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है। तो दोस्तों ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है कि यह तीन प्रकार का होता है। इसमें वर्षा की जो मात्रा होती है उसके आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है ड्राई फार्मिंग, दूसरा है ड्राई लैंड फार्मिंग, तीसरा है रेनफेड फार्मिंग। तो हम एक एक के बारे में जानेंगे। तो ड्राई फार्मिंग क्या होता है कि ड्राई फार्मिंग में जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल होती है 750 mm से कम होती है। यानी ड्राई फार्मिंग जहाँ होगा वहाँ क्या होगा, रेनफॉल जहाँ 750 mm से कम होगी वहाँ बोलेंगे ड्राई फार्मिंग है, यानी शुष्क खेती। और अगला क्या है, जहाँ पर रेनफॉल जो वर्षा होती है, वर्षा की जो मात्रा होती है वो 750 mm से लेके 1150 mm तक रहेगी, तो उसे बोलेंगे ड्राई लैंड फार्मिंग। और रेनफेड फार्मिंग क्या है, जिसको बोलते हैं वर्षा आधारित खेती हिंदी में, उसमें क्या है कि वहाँ पर 1150 mm से ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ बोलेंगे रेनफेड फार्मिंग। तो जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है इसमें हमने देखा तीन प्रकार का। रेनफॉल के हिसाब से देखा जाए तो 750 mm से कम जहाँ होगी उसे बोलेंगे ड्राई फार्मिंग, जहाँ 750 से 1150 तक होगी उसे बोलेंगे ड्राई लैंड फार्मिंग, और जहाँ 1150 mm से ज़्यादा है वहाँ बोलेंगे रेनफेड फार्मिंग। और क्या है, और जो इसका ग्रोइंग पीरियड होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होगी तो यहाँ पर जो फसलें उगाएंगे उसका जो अवधि होगी वो कम होगी। अगर ज़्यादा अवधि होगी तो बार बार सिंचाई करनी होगी, जो कि हम कर नहीं पाएंगे, इसीलिए फसलें खराब हो जाएंगी। इसीलिए वहाँ पर 75 दिन से कम समय वाली फसलें उगाते हैं। जो फसलें कम पानी चाहती हैं और कम समय में तैयार हो जाती हैं वही फसलें उगाएंगे जो कि कम समय में तैयार हो जाएं। और ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या करेंगे हम, यहाँ पर 75 से लेके 120 दिन की मध्यम वर्गीय फसलें उगाते हैं हम लोग, जहाँ यहाँ पर वर्षा ठीक ठाक होती है, जिससे क्या है फसलें हमारी कम सूखती, यानी कि मतलब उनको जो सूखने की गति होती है वो कम होती है। अगला क्या है, रेनफेड। रेनफेड में क्या है, हम लंबी अवधि की फसलें आसानी से ले सकते हैं। इसमें 120 दिन से ज़्यादा अवधि की फसलें आसानी से ली जा सकती है, वहाँ पर पानी कोई समस्या नहीं होती है। अगला क्या है, इसमें अगर हम रीजन देखें तो किस किस रीजन में कौन कौन सी फार्मिंग होती है, तो जो ड्राई फार्मिंग है या एरिड रीजन में होती है, यानी कि जहाँ पर एरिड रीजन होगा, सूखा क्षेत्र होगा, वहाँ पर यह फार्मिंग होती है। और जो ड्राई लैंड फार्मिंग है वो सेमी एरिड, यानी जहाँ पर एरिड होगा पर बहुत कम मात्रा में होगा, वहाँ पर वर्षा भी होती है, वहाँ पर ह्यूमिड भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। और अगला क्या है, रेनफेड फार्मिंग में वहाँ पर क्या मौसम क्या है, वहाँ पर मौसम ह्यूमिड रहता है और सब ह्यूमिड रहता है, यानी कि वहाँ नमी पर्याप्त मात्रा में रहती है। अगला देखें जो क्रॉपिंग सिस्टम है, तो इसमें क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा अपनाएंगे, तो जो ड्राई फार्मिंग है वहाँ पर अपनाएंगे मोनोक्रॉपिंग। अब मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या है, एक वर्ष में केवल एक फसल लेना, यानी इसकी फसल सघनता क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी, यानी एक वर्ष में केवल एक फसल लेना उसे बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। अगर यही दोस्तों होता मोनोकल्चर तो तीनों सीजन में एक ही फसल लेना, जैसे राइस 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 होता है पश्चिम बंगाल में, उसे बोलते हैं मोनोकल्चर। लेकिन ये क्या है, मोनोक्रॉपिंग है, तो यानी एक वर्ष में केवल एक फसल लेना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। और ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या है, मोनोक्रॉपिंग तो होगा ही साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी होगा। मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है आपको बता दिया गया कि एक वर्ष में केवल एक फसल लेना, और इंटरक्रॉपिंग में क्या है कि दो फसलों मतलब कि एक फसल की दो लाइनों के बीच में कोई दूसरी फसल को लेना। से क्या होते हैं, गेहूं की 8-9 लाइनों के बाद ये क्या करते हैं, लगाते हैं सरसों की लाइनें, उसे कहते हैं इंटर क्रॉपिंग। यानी दो फसल
एक फसल की दो लाइनों के मध्य या फिर चार या फिर इसमें नियम होता है, तो उन सब के मध्य एक दूसरी फसल लगाना उसे बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। अगला क्या है रेनफेड फार्मिंग, इसमें क्या है डबल क्रॉपिंग, यानी कि इसमें दो बार फसल लगाई जा सकती है, इसे डबल क्रॉपिंग कहेंगे क्योंकि वहां पर पानी की पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक है, अब अगला क्या है इरोजन। इस इरोजन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं जो होता है, जो मतलब कि मिट्टी अपने स्थान से कट कर विभिन्न से हवा द्वारा जल द्वारा वायु द्वारा कट के अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, इस क्रिया को बोलते हैं इरोजन। इरोजन इसमें क्या है, क्योंकि ये जो ड्राई फार्मिंग का क्षेत्र है सूखा क्षेत्र होगा, तो सूखा क्षेत्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो विंड इरोजन यानी जो हवा द्वारा मिट्टी के जो कण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कम मात्रा होती है, तो यहाँ पर समस्या क्या आती है विंड इरोजन की। और जो ड्राई लैंड फार्मिंग है यहाँ पर समस्या आती है विंड और वाटर दोनों की, यानी कि यहाँ पर कभी कभी विंड इरोजन होता है कभी कभी वाटर इरोजन होता है, यानी फिर यहाँ पर दोनों प्रकार के इरोजन पाए जाते हैं। और जो रेन फेड फार्मिंग है क्योंकि वहाँ पर वर्षा होती है पर्याप्त मात्रा में अधिक मात्रा में, तो वहाँ पर क्या है वाटर इरोजन ही पाया जाता है। वाटर में भी क्या है वहाँ पर मुख्यतः रिल और गली इरोजन पाया जाता है। अपने वाटर इरोजन में पढ़ा होगा वाटर इरोजन क्या होता है, स्प्लैश होता है, सीट होता है, रिल होता है, गली होता है, स्ट्रीम होता है, तो इसमें क्या है मुख्यतः रिल और गली इरोजन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार रिकॉल कर दिया जाता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर तीन प्रकार का होता है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में क्या होता है 750 mm से वर्षा कम होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या है 750 mm से लेकर 1150 mm तक वर्षा होती है, रेनफेड फार्मिंग में क्या होता है कि 1150 mm से अधिक वर्षा होती है। और अगर फसलों को ग्रोइंग पीरियड के आधार पर देखें तो जो ड्राई फार्मिंग में है वहाँ पर 75 दिन से कम अवधि वाली फसलें उगाते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या है 75 से 120 दिन की अवधि की फसलें उगाते हैं, और रेनफेड फार्मिंग में क्या है 120 दिन से अधिक अवधि की फसलों को उगा सकते हैं हम। और रीजन क्या है, जो ड्राई फार्मिंग है वो एरिड रीजन में पाया जाता है, जो ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या है वो सेमी एरिड में, और जो रेनफेड फार्मिंग है उसे ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन में पाया जाता है। अगला क्या है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम में क्या है कि जो ड्राई फार्मिंग में है वहाँ एक साल में केवल एक फसल उगाते हैं, इसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या है मोनोक्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग दोनों होती है, रेनफेड फार्मिंग में क्या है डबल क्रॉपिंग होती है। और इरोजन अगर देखें तो इरोजन क्या है कि ड्राई फार्मिंग में होता है विंड इरोजन, ड्राई लैंड फार्मिंग में होता है विंड और वाटर इरोजन दोनों होता है, और रेनफेड फार्मिंग में क्या होता है कि वाटर इरोजन होता है जो कि मुख्यतः रिल और गली इरोजन होता है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, ना आया हो आप लोग एक बार दोबारा देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।